हेलो फ्रेंड्स, कुलेश किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे पालक का सूप। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 300 ग्राम पालक। पालक को अच्छे से आप दो बार धो लेंगे। धोने के बाद इसे हमने बारीक चॉप कर लिया है। इसके लिए हमने लिया है एक मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक चॉप करके, एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है बारीक चॉप किया हुआ, ये हमने लिया है लहसुन, लहसुन को भी हमने बारीक कट करके लिया है, आप चाहे तो पेस्ट भी ले सकते हैं। नमक लिया है टेस्ट के अनुसार। हमने लिया है ब्लैक पेपर, तो ये हमने लिया 1 पिंच, वाइट पेपर लिया है 1 पिंच। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसे हम बटर में या ऑयल में या घी में भी बना सकते हैं। तो हमने एक फ्राइंग पैन चढ़ा लिया है। फ्राइंग पैन में हमने आधा चम्मच तेल चढ़ा लिया है। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा, इसमें हम डाल लेंगे बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल लेंगे। फ्लेम हमने अभी मीडियम ही रखा है। मीडियम फ्लेम पे हमें सब्जी को तैयार कर लेना है। इसके लिए बस इसे हल्का सा सुनहरा कर लेना है। बारीक चॉप किया हुआ टमाटर डाल देंगे, इसे भी भून लेंगे। और अब इसमें जो हमने पालक लिया है कट करके, उसे डाल देंगे। फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे बस 1 मिनट तक हमें चला लेना है, मिला लेना है। बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है इसे। पालक को बिल्कुल हल्का सा हमने पका लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे नमक। साथ ही डाल देंगे पानी। पानी हमने 1/4 कप लेना है। डाल के इसे हम ढक देंगे 1 मिनट के लिए। 1 मिनट हमने इसे ढक के भी पका लिया है। अभी गैस बंद कर लेंगे और बंद करके इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। इसके बाद हमें इसे मिक्सर के जार में डाल के बारीक पीस लेना है। तो थोड़ा सा इसे हम ठंडा होने देंगे। पालक ठंडा हो गया है, इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे सभी को। इसे हमने बारीक पीस लिया है। अब फ्राइंग पैन चढ़ा लेंगे वापस उसी फ्राइंग पैन में। इसे फिर से हम डाल लेंगे और डाल के इसे हमें 2 मिनट तक के हल्के से इस तरीके से चलाते हुए पका लेना है। साथ ही इसमें हमने जो वाइट पेपर और ब्लैक पेपर लिया है वो भी डाल देंगे। आप अगर सूप स्पाइसी चाहते हैं तो थोड़ा सा आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं इसमें। और अगर मिठास चाहते हैं तो इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच, छोटा सा चम्मच शुगर का। बस इसे हमें, बस हमारा सूप रेडी होने वाला है, तो पका लेना है थोड़ा सा। आप इसमें अगर पतला चाहते हैं तो इसमें वेजिटेबल स्टॉक या पानी भी यूज़ कर सकते हैं। सूप में एक उबाल आ गया है, गैस बंद कर लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी पालक का सूप बन के तैयार है। इसे बाउल में निकाल लेंगे। सूप में हम लास्ट में एक बटर का पीस डाल लेंगे इस तरीके से। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे, इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।